बॉलीवुड से इस समय बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। कार एक्सीडेंट के मामले में कोर्ट ने एक्टर दिलीप तहिल को सजा सुना दिया है और साथ ही कोर्ट ने उन पर कोई नरमी नहीं बरती है बल्कि सीधा सजा सुना दिया है। कहा जाता है कि दिलीप नशे के हालत में मुंबई के पॉश एरिया खार में गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने सड़क पे चल रहे एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी और टक्कर इतनी गंभीर थी कि कहा जाता है कि उस ऑटो में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और गरिमत यह रही कि उस महिला की जान किसी तरीके से बच गई। और इस हादसे के बाद पुलिस ने एक्टर दिलीप तहिल को गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही इस हादसे में दिलीप तहिल को दोषी पाया गया और इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी इन पर कोई नरमी नहीं बरती गई। दिलीप की इस दारू के नशे में की गई एक्सीडेंट को डॉक्टर द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट को आधार माना गया और साथ ही डॉक्टर द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने सजा सुनाई है। रिपोर्ट के अनुसार दिलीप से शराब की गंध पाई गई और साथ ही उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और ना ही उनसे ठीक से बोला जा रहा था और इन सभी तथ्यों को आधार मानते हुए ही कोर्ट ने उन पर सजा सुनाई है। और खबर तो यह भी है कि ऑटो को टक्कर मारने के बाद से ही दिलीप वहां से फरार हो गए थे। यहां तक कि कहा जाता है कि पुलिस को ब्लड टेस्ट करने के लिए सैंपल देने से भी दिलीप ने मना कर दिया था। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि यह जो पूरा मामला है ये 5 साल पुराना है और उस समय मुंबई से ही दिलीप की गिरफ्तारी की गई थी लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था और साथ ही 5 सालों से ये केस चल रहा था लेकिन अब कोर्ट ने न्याय सुना दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिलीप को 2 महीने की सजा सुना दिया है। दिलीप ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े फिल्मों में काम किया है और नाम शोहरत और इज्जत कमाया है लेकिन इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी कोर्ट ने इन पर कोई नरमी नहीं बरती है लेकिन फिर भी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में 5 साल देरी कर दी और ये एक्सीडेंट आज से करीब 5 साल पहले हुआ था और दिलीप जो है वो बेल पर थे। खैर कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।